हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रियल लाइफ विद स्वीटू। आज मैं बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर करने जा रही हूँ। आज मैं बनाऊंगी वेज मोमो और उसके साथ रहेगा मोमो चटनी। और ये वीडियो मैं आज कैसे बना रही हूँ मोमो वो दिखाऊंगी आप लोगों को। लेकिन इस वीडियो का बनाने में और एक रीज़न भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी, वो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए फिर दिखाती हूँ कि कैसे मैं आज मोमो बना रही हूँ। तो मैदे को मैंने पहले गूंथ लिया है, ये सिंपल नमक से मैंने गूंथ के रख दिया है, इसको ढक के रख दिया है। इधर मैं सोयाबीन को इधर आधा घंटे के लिए मैं गर्म पानी में भिगो के रख दिया था, तो अभी मैं उसको मिक्सी कर ली हूँ। और इधर मैं पत्ता गोभी और गाजर को मैंने घीस लिया है, और इधर प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे लहसुन को भी फाइन चॉप कर लिया है। तो ये मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो चुका है, तो अभी मैं इसमें लहसुन जो मैं चॉप करके रखी थी वो डाल दूँगी। ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, इसमें फिर मैं ये लहसुन जब थोड़ा सा हल्का ब्राउन हो जाएगा इसमें मैं अभी ये प्याज जो चॉप करके रखी थी इसको डाल दूंगी। इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। तो ये अभी हल्का ब्राउन हो चुका है, अभी मैं इसमें ये गाजर और पत्ता गोभी जो घिस के रखी थी उसको डाल दूंगी। और ये सोयाबीन, तो ये मैं मिक्स कर चुकी हूँ। तो अभी इसमें मैं इसमें स्वादानुसार नमक और ये जीरा पाउडर करीब एक टेबलस्पून, और ये धनिया पाउडर एक टेबलस्पून, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तो फिर इसको मैं फिर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसमें मैं अभी सोया सॉस ऐड कर रही हूँ, करीब करीब 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। करीब 1 टीस्पून विनीगर ऐड करना है, और उसके बाद उसको पूरे मिक्सर को अच्छी तरह से हम लोग मिक्स कर लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये मैंने मिक्स कर लिया है, अभी मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढक दूंगी, इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ये मोमो का जो तीखी चटनी बनेगा उसके लिए मैंने यहाँ पे 3 टमाटर को ऐसे काट लिया है, और थोड़ा सा अदरक को भी काट लिया है, और यहाँ पे मैंने 4-5 लहसुन ले लिया है, और यहाँ पे मैंने हरी मिर्च को ले लिया है, और थोड़ा सा लगेगा मेथी। तो यहाँ पे मैंने तेल को गर्म करने के लिए रख दिया है। अभी इसमें मैं लहसुन पे मैंने लहसुन को दे दिया है, ये थोड़ा सा छिटक रहा है। अब इसमें मैंने जो अदरक काट के रखी थी उसको भी मैं यहाँ पे डाल दूंगी, और यहाँ पे जो मैंने मिर्ची लिया था उसको भी मैं डाल के थोड़ा सा चला लूंगी। अभी मैं इसमें ये थोड़ा सा मेथी लिया है इसको भी ऐड कर दूंगी। तो अभी मैं इसमें ये टमाटर भी ऐड कर दूंगी।
इसमें मैं अभी स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा चीनी डाल के थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ये टमाटर अभी तो गला नहीं है, एकदम पूरा गलने तक इसको ऐसे पकाना है। और जब ये पक जाएगा फिर ठंडा होने के बाद इसको मिक्सी कर लेंगे। तो इधर ये मसाला भी मेरा तैयार हो चुका है। अभी इसको मैं गैस को मैं अभी ऑफ कर दूँगी। तो ये देखिए टमाटर अभी मैशी हो चुका है, तो अभी मैं ऑफ कर दूंगी स्विच को और उसके बाद इसको मैं ठंडा करने के लिए छोड़ दूंगी, फिर इसको मैं ठंडा होने के बाद मिक्स कर लूँगी। तो ये मोमो का चटनी, तीखी चटनी रेडी हो जाएगा। तो ऐसे मैं मोमो का जो बेस है उसको बेल लूँगी और इसे स्टफिंग डालने के बाद मोदक का जो जैसे बनाते हैं उसी शेप में ऐसे बनाऊँगी, जो मोमो का भी शेप होता है। तो ऐसे मैं बना लूँगी सभी मोमो को। और ये देखिए मेरा ऐसे बन के रेडी है। तो बहुत ही इजी तरीका है, ये है रेडी हो चुका है। फिर मेरे पास ऐसे एक छोटे छोटे छेदे वाला एक थाली था, प्लेट बड़ा सा, उसको मैं ऐसे एक बड़ा सा डेगची के अंदर पानी गर्म करने के लिए रख दी हूँ, उसके ऊपर उसको बैठा के दूंगी। ये मोमो मेरा सब बन के रेडी है, देखिए कितना बढ़िया दिख रहा है मोमो। तो ये मैं थाली उस थाली के ऊपर रख के इसको स्टीम होने के लिए रख दूँगी और इसको मैं अभी ढक दूंगी। करीब 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी ऐसे ढक के। तो ये मेरा मोमो बन के तैयार हो जाएगा। तो ये चटनी रेडी है, अभी इसको मैंने मिक्सी कर लिया है। तो ये रेडी है और मुझे मैं इसमें थोड़ा सा ना सरसों तेल ऊपर से थोड़ा सा डालूंगी। ये मैंने इसमें थोड़ा सा सरसों तेल ऐड कर दिया है, अच्छा लगता है थोड़ा सा और टेस्ट। तो ये मोमो बन के रेडी है। आई होप आप लोग को ये मेरा मोमो बनाने का तरीका अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।